छिंदवाड़ा में टोटल लॉकडाउन के बावजूद कुछ दुकानदार चोरी छिपे सामान की बिक्री कर रहे हैं, जिसको देखते हुए एसडीएम ने खुद मास्क पहनकर बाजारों का जायजा लिया और नियम विरुद्ध सामान बेच रहे दुकानदारों पर कार्रवाई की है। कोरोना वायरस संकट काल में टोटल लॉकडाउन के दौरान छिंदवाड़ा जिला प्रशासन ने जरूरी सेवाओं को जारी रखने की एक व्यवस्था बनाई है। इसमें किराना और जनरल स्टोर को केवल फोन पर मिले ऑर्डर्स पर घर पहुंच सेवा प्रदान करने की छूट दी गई है। सीधे दुकानों से विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग कायम रहे और किसी भी तरह से संक्रमण की आशंका से बचा जा सके। नियमों का पालन हो रहा है या नहीं ये देखने के लिए खुद एसडीएम अतुल सिंह बाजारों में चेकिंग करने निकले। मुंह पर मास्क लगा होने के कारण दुकानदार उन्हें पहचान नहीं पाए और इस तरह कई दुकानदार जो चोरी छिपे दुकान से ही सामान बेचकर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे थे उन्हें रंगे हाथ पकड़ा गया और उन पर कार्रवाई की गई। शायद प्रशासन की इस कार्रवाई की वजह से छिंदवाड़ा में अब कोरोना के मरीज नहीं बढ़ रहे हैं और स्थिति नियंत्रण में है। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, अति आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति भी हो। हम लगभग 450 दुकानों किराना और खाद्यान्न की सामग्री होम डिलीवरी के माध्यम से सप्लाई करने हैं तो हमें अनुमति दी हुई है और उनके डिलीवरी बॉयज के पास भी बने हुए हैं। लेकिन समय समय पर ऐसी भी शिकायतें प्राप्त होती हैं कि कुछ दुकानदार होम डिलीवरी ना करके दुकान से भी सामग्री का विक्रय करते हैं, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग बनाने में समस्या होती है, भीड़ भाड़ उत्पन्न होती है। आज आकस्मिक निरीक्षण के दौरान ये शनिचरा में हमने देखा कि एक दो दुकानें खोल के कुछ लोगों को सामग्री बिक्रय कर रहे हैं। इवन मुझे भी उनने एक साबुन बिक्रय किया। छोटे दुकानदार हैं, उनका जीविकोपार्जन चलता रहे, जिला प्रशासन को उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि इस महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए थोड़ा सख्ती भी आवश्यक है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।